बैटिंग के पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे दोस्तों को कोई उठा कर ले गया। उन्हें किसने उठाया, कहाँ लेकर गया, कुछ भी पता नहीं है यार। मुझे तो पता है ना। क्यों रे, मार खा के पेट नहीं भरा, सीटी बजा रहा है? हीरो की एंट्री कैसी होती है पता नहीं। हमारी मार खाने की छोड़ो, तुम्हारी कैसी बैंड बजती है। हेलो सी के एंड को, आई एम रेडी। Hey, कौन है बे तू? दोस्त महाराजा कहते हैं, पब्लिक हीरो कहती है, घर में आकाश बुलाते हैं। अब तुझे जो पसंद है बुला ले मुझको। ये एरिया अपुन का है। एरिया जिसका भी हो कब्जा मैं ही करूँगा। तेरे डायलॉग पर तालियां बजाने वाला कोई फैन नहीं यहाँ। मैं एक बार जब मारना शुरू करूँगा तेरे लोग भी मेरे फैंस बन जाएंगे। ऐसे बढ़ाया मैंने ग्रो। इतनी हिम्मत है तुझ में? पैदा होने के साथ ही आ गई थी। जो सिचुएशन या लोकेशन के हिसाब से नहीं बदलती। ए, चलो मेरे साथ। ऐसे जा सकते हैं ये बेटिंग के 2 लाख रुपए देने के बाद तब इन्हें यहाँ से लेकर जाना। अरे भाई सीके, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। असल में बेटिंग लगाने वाले वो नहीं थे, मैं था। तभी तो तुझसे मिलने का मौका मिलना था। वैसे यहाँ पर आसपास जहाँ देखो क्रिकेट बेटिंग है। कुछ लोग पैसे चोरी करके लाते हैं, कुछ एग्जाम की फीस लेकर आते हैं और कुछ लोग उधारी मांगकर सड़क पर आ जाते हैं। अगर पूछो कि बेटिंग कौन करवाता है तो कोई बताता नहीं। ये गेम खेलने की वजह यही तो थी। इसका गेम मुझे पसंद नहीं आया, इसका गेम ओवर कर दो। भाई ये क्या कर रहा है समझ नहीं आ रहा। मार मार। मैं बताऊं? बोलो। जाओ। कितना कन्फ्यूजन। क्या हुआ, ये क्या चल रहा है यार? एक्सरसाइज कराता है, रुलाता है, फिर हंसाता है। आखिर तेरा कैरेक्टर क्या है भाई? अबे अकल के दुश्मन, मेरे कैरेक्टर का कोई डेफिनेशन नहीं है। कब कैसा रहूंगा ये मैं खुद नहीं जानता। क्लाइमेट जैसा बदलता रहता हूँ। कभी कभी ठंडा रहता हूँ, कभी कभी नरम रहता हूँ, कभी कभी गरम कर देता हूँ। मम्मी, उसे मार ही डालोगे क्या? इसे छोड़ दे भाई, आज से मैं बेटिंग का धंधा छोड़ दूंगा। चलता हूँ मोटे। सिर्फ खाने के लिए ही आता है, कैसे खा रहा है, खा खा के पेट फट जाएगा। बुढ़िया की नजर लग जाएगी मुझे। बड़ी भाभी एक ऑमलेट बना लो। छोटी भाभी जान जूस निकाल लो। अरे कोई पानी तो पिला दो। जाकर ले आओ। बना लो, निकाल लो, ले आओ। विरोध की बू आ रही है, कोई सामूहिक स्ट्राइक है क्या? पी लो,
माँ ये सब लोग आज ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये सब क्या है बेटा? क्या माँ? तुम कहीं बाहर जाते हो तो खौफ सा मन में रहने लगा है। आपको तो सिर्फ खौफ हो रहा है, हमारा तो सर फट जाता है इनके कारनामों को सुन सुन के। बिना सोचे कुछ भी करते हो, तुम बुद्धू हो क्या? दिमाग नहीं है क्या? भाभी 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 15 सालों से सेम टू सेम गालियाँ, ट्राई समथिंग न्यू। क्या माँ ये भी? शर्म नहीं आती औरतों से गालियाँ खा रहा है? अपने भाइयों को देख, उनकी तरह तू भी कहीं नौकरी क्यों नहीं कर लेता? वो भी नौकरी करेगा तो घर कौन संभालेगा? वो कामचोर क्या घर संभालेगा, घर वाले उसे संभालते हैं। इतना टेंशन नहीं झेल सकते, आप इन्हें कुछ कहिए नहीं तो हम आई के चले बस। ओहो, घर में सब मिलकर खुश रहे इसके लिए शादी करनी होगी। शादी? कौन है जो आसपास के गांव में से मुझे लड़की देगा? क्यों नहीं देगा, मैंने अपने मायके में एक लड़की देखी, लड़की फिल्म स्टार से कम नहीं है। तुमने क्या कहा? फिल्म स्टार? तुम्हारे रिश्ते तो मतलब मैच फिक्स है? अब हम लड़की देखने जा रहे हैं या नहीं ये बताओ। नहीं जाएंगे तो शर्म आदमी शर्म करे तो अच्छा नहीं लगता है। वैसे भी तुम लेट हो, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो। अरे वाह, साड़ी में तो बड़ी संस्कारी लग रही है। छोटी भाभी, तुमने रिश्ता देखा रहा तो सोचा कि तुम्हारे जैसे एवरेज हो, ब्लॉकबस्टर है ये तो। आप मेरी बेटी से कुछ बात करना चाहेंगे? कोई जरूरत नहीं है, मेरे भाई ने ऑलरेडी फिक्स कर दिया होगा। लेकिन मुझे बात करनी है। ये फोटो गैलरी है क्या? माय फैमिली फोटोज। ओह, तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो? आई नो वेरी वेल। वैसे अंदर सब बता रहे थे कि तुम में कोई दोष है, कुंज दोष। यू डोंट वरी, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा। क्यों रे शाने, तू मेरी लाइफ बनाएगा? क्या है ना, कुंज दोष नहीं है, क्रिएटेड दोष है। क्रिएटेड? व्हाट? इतना फॉर्मल मत मार, ये मेरे लिए स्वयंवर जैसा है और तू 10 नंबर पे है। मैं 10वां हूँ? तेरी फोटो कभी पेपर में आई है क्या? पेपर? नो। फिर टीवी पर आए होगे? टीवी पर? अब शादी करनी है तो पेपर और टीवी पर आना जरूरी है क्या? इस देसी मॉडल से शादी करनी है तो जरूरी है। इतनी खूबसूरत हूँ और इतनी जायदाद है तो मैं जिसे दूल्हा चुनूं वो फेमस होना चाहिए, सेलिब्रिटी होना चाहिए। लोकल में ये हीरो भी बहुत फेमस है। मुझे जो चाहिए वो लोकल फेमस नहीं, दुनिया भर में फेमस होना चाहिए। हमारी शादी हो जाए, हम बाहर निकले तो मेरे पति को देखकर उसके ऑटोग्राफ के लिए, सेल्फी के लिए लोगों की भीड़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 31 तारीख तक कोई छोटा मोटा जॉब करके 1 को सैलरी का इंतजार करे। सोच समझ कर महीने का खर्च उठाओ, बच्चों के लिए बैंक में जमा करना है, तुम स्कूटर में ही खुश हो जाओ। ऐसी सोच रखने वाला पति मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। तो किसी और को ढूंढ लेना रे। अरे बाप रे, तुम्हारा छोटा मोटा पागलपन नहीं है, तुम्हें तो ना आंटे अंकल वापस आओ, यहाँ आओ। अगर यहाँ की बात बाहर लीक हुई तो कुंज दोष वाली लड़की पर कमेंट किया है करके एक लेटर लिखकर चूहे माने की दवा खाकर सुसाइड अटेम्प्ट कर लूंगी। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत अंदर कर देगी पुलिस तुझे। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आफ्टर मैरिज होता है ना? कोई औरत बयान देते तो मैरिज हुआ है या नहीं ये कोई नहीं देखता, केस हुआ या नहीं ये देखा जाएगा। बाप रे बाप, मुझे बचाओ। घर वालों ने ना बोला, गांव वालों ने बाहर निकाला और आखिर में एक लड़की ने भी बेइज्जत कर दिया। अब ये जिंदगी किस काम की रे? ओए हाँ, तू मेरा साथ दे रहा है या मेरे घाव पे नमक लगा रहा है? अरे छोड़ो ना भाई, इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों सेंटी हो रहे हो? तुम्हारा थोड़ा सा अपमान ही तो हुआ है। कोई ऐसा वैसा अपमान नहीं हुआ है, गाँव की छोकरी खुद को न जाने क्या समझती है, मैं फेमस नहीं हूँ बताकर मुझे रिजेक्ट करती है। होना है अर्जेंटली फेमस होना है। अबे ओ कथे, पैंट कभी बदलना नहीं चाहिए, अब देख कैसे पागलों की तरह बड़बड़ा रहा है। ऐसे पागलों की तरह बड़बड़ा नहीं रहा, फैसला कर लिया है मैंने, हम जब ऊपर जाएं तब भी हमारे नाम के गूगल में 4-5 पेज हो। इसके लिए कुछ करना है, टीवी हो पेपर हो हमेशा दूसरों की ही न्यूज देखते रहेंगे क्या? हमें भी न्यूज बनानी है। बिना बैकग्राउंड के तू कैसे फेमस होगा? मेहनत करके हो जाऊंगा। आज के जमाने में मेहनत करके ऊपर जा सकते हैं लेकिन ऊपर नहीं आ सकते। तो फिर इसका इस्तेमाल करेंगे ना, इस दुनिया में बढ़ने के लिए इसी का इस्तेमाल होता है। अरे बाप रे, लगता है इसने नींबू के ऊपर पैर रख दिया है, मैं घर जाकर खाना खा के सोता हूँ। ए फेमस होना फुल बॉटल पीने जितना आसान नहीं है। क्यों नहीं है?
देखा ना, इतनी छोटी सी बोतल ने इतने बड़े तालाब को कैसे डिस्टर्ब कर दिया। 6 फुट का हूँ मैं, इस देश को डिस्टर्ब नहीं कर सकता क्या? ये क्या, मेरे चाचा जी जाग गए? नहा भी लिया? अरे बाप रे पूजा। ये क्या, तुम इन्हें क्यों प्रणाम कर रहे हो? अगर हमें कुछ चाहिए तो वो, और अगर हमें कुछ बनना है तो ये। ओहो, अब इस उम्र में आके आप क्या बनने की कोशिश करेंगे? फेमस। मेरी एक टांग पहले से ही कब्र में है, अब इसे शौक देखे मत मार। मेरे सेलिब्रिटी बनने तक मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। कभी भी मीडिया वाले हमारे घर आ सकते हैं। ब्यूटी पार्लर जाके बाल काले करवा लो दादी माँ। अब तो ये पागल हो चुका है, कंफर्म। मैं पागल नहीं हुआ हूँ, मैं पागल कर दूंगा। दुखी पे दुखी हो या सत्य पे सत्ता, दुखे पे दुखी हो या सत्य पे सत्ता, गौर से देखा जाए तो बस पत्ते पर है पत्ता। वो देख भाई को आता देख, मुझे जीत मिल गई। अच्छा शुक्रिया भाई, बैठो बैठो। ये हाथ में क्या है? ये तो नली है भाई। भुक्कड़। अबे यहाँ सब पत्ते खेल रहे हैं, तू मोबाइल में क्या घुसा पड़ा है? वो सब खेलते हैं लेकिन ये दिमाग का खेल है भाई, उसमें पैसे की जरूरत नहीं होती। भाई ना? तू कह रहा था पेपर में आऊंगा टीवी में आऊंगा, उसका क्या हुआ? नशे में कुछ भी बोल देता हूँ, सुबह थोड़ी ना याद रहता है, रात को पिया ब्रांड भी याद नहीं रहता, बातें थोड़ी याद रहेंगी। पत्ते दे जरा। ओहो ये तो बेकार है, चलो दोबारा से फेंको। चल जल्दी भाई, तू भी बच्चों की तरह बात करता है। बस मैं जीतने वाला था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये कैसे सो रहे? अरे इलेक्शन आ रहे ना, मिनिस्टर ने जनरल मीटिंग रखी है, अगर जाएंगे तो बियर और बिरयानी फ्री मिलेगी। ए शंकर तू एक काम कर, दारू ज्यादा हो जाएगी, 4 चिल्ड बियर बोल दे, बिरयानी के साथ पियेंगे। चल, अगर देश पीछे रह जाता है तो उसकी वजह किसान होता है, वैसे ही अगर देश आगे बढ़ता है तो उसकी वजह भी किसान होता है। ताली बजाओ, ताली। जैसे कोई व्यापार उधार पर नहीं चल सकता, वैसे एग्रीकल्चर बिना कल्चर के नहीं चल सकता। मेरे हिसाब से कल्चर और व्यापार को साथ लेकर चलने वाला हमारा किसान है। ऐसे किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए, आपके आंसू पोंछने के लिए मैं आया हूँ। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गजपति के नेतृत्व में हम तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। आए अरे अरे, मेरा पैर कुचल दिया। घर जा, दवाई कर ले। अबे यार ये क्या, कॉमन मैन के पैर का कुचलना भी कोई नहीं सुनता, और वो सेलिब्रिटी बोल रहा है तो देखो कैसे सब लोग सुन रहे हैं। ऐसे काम नहीं होगा राजेश, एक पत्थर उठा दो जरा। क्या सच में? अरे जो बोला है वो करना। ये लो। अबे कंकड़ उठाने को नहीं बोला, पत्थर उठा, पत्थर। उसके सर पे एम लगाना। ये ठीक है भाई, ये हो ही ना कुछ बात। अब ये देखो, अरे ओ किसने पत्थर मारा? अच्छी तरह खींचो, ठीक से खींचना, ऐसे। ओए राजेश, ओए शंकर, अरे आओ ना ग्रुप फोटो लेते। छोटी सी चोट है सर, क्यों चिल्ला रहे हो? डॉक्टर, छोटा दिमाग बड़ा दिमाग सब अपने जगह पर तो है ना? एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। मेमोरी लॉस, कोमा, ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? डोंट वरी सर, ये कोर्स कंप्लीट कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कौन है वो, विपक्ष का है या पक्ष का है, कौन सी पार्टी का है? वो किसी पार्टी से नहीं है सर। हाँ? किसी पार्टी का तो कार्यकर्ता होगा। वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। तो क्या उसने मुझे मारने के लिए किसी से सुपारी ली है? सुपारी नहीं लिया, पानी खाया उसने तो। उसने तो, उसने तो, उसने तो क्या, आगे बोल। उसने तो पेपर में नाम है इसलिए ऐसा किया सर। पेपर में आने के लिए मारा उसने? पेपर में नाम आने के लिए मंत्री को पत्थर से मारा? निकालो गाड़ी, अब उसका सर काटूंगा मैं। चलो सर। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है वो? वाह सर,